दोस्तों, आपने पकौड़ी बहुत खाई होगी। बारिश के सीजन चल रहा है तो हर घर में पकौड़ी, कचौड़ी सब कुछ बनता है। तो आज हम भी एक बहुत ही यूनिक रेसिपी पकौड़े का आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमने करेमुआ का साग है, ये नारी का साग भी बोलते हैं, इसको बारीक काट लिया है। और ये लौकी है, इससे हमारा पकौड़ा बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। और ये कुछ हरी मिर्च हमने काट लिया है, थोड़ा सा प्याज। आप देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये लग रहा है। और ये हमने चने की दाल को भिगो के इसका पेस्ट बनाया है, मैं इसको दिखा नहीं पाया था। तो अब जो है, इस सारी सामग्री को इसमें मिक्स करके हम पकौड़ा तैयार करेंगे। और आप बने रहिए वीडियो में अंत तक, देखिए ये कितना क्रिस्पी, कितना हेल्दी, कितना ज़बरदस्त सा पकौड़ा बनेगा। अब इसको एक मिक्सिंग बाउल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। सारे सामग्री को इसमें डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बारिश का ये बहुत ही ख़ास रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी होता है ये, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको मैं अपने वाइफ से मिक्स करा रहा हूँ। तो ये देखिए, मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है पकौड़े का। तो आइए अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये कढ़ाई हमने लगा दिया है तेल को इसमें डाल के गर्म होने के लिए। तो ये देखिए, हम बड़े के शेप का इसको दे दिए हैं। अब हम इसको, तेल गर्म हो गया तो इसको फ्राई करेंगे। अब इसको जो है एक बार पलट देंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा घर पे, ये बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी भी होता है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पकौड़ा एकदम फ्राई हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे।